नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड जिनको नहीं पता है, हर संडे बेसिकली प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। देन आप स्क्रीनशॉट मुझे टैग के मैसेज कर सकते हो। अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी प्राइवेट क्लास के लिंक्स हर संडे जो होती है वो दिया करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में लाया हूँ आपके लिए एक और लेटेस्ट और न्यूएस्ट पेनी स्टॉक, जिसके बारे में मैंने आज तक कभी अपने चैनल में बात नहीं करी है। एंड आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक के बारे में, आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने मेंशन भी किया है, अच्छा स्टॉक है, 2 रुपए के भाव में ट्रेड कर रहा है, आरओसी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है, साथ में कंपनी अभी ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो सस्ता मिल रहा है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, नीचे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बहुत लोग यहाँ पर ये भी क्वेश्चन करेंगे, ये तो ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, कैसे अच्छा बन सकता है? ध्यान रखना, एक स्टॉक जो होता है ना, उसका लो पकड़ो, उसका हाई पकड़ो, ठीक है? और स्टॉक अगर बीच में ट्रेड कर रहा है, 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टॉक एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद एक मिड पॉइंट में आता है, और जब भी अगर वो मिड पॉइंट में रेंज बना रहा है या घूम रहा है वहां पर, समझ जाना स्टॉक ने अपना जो लो था ना, जो लास्ट स्विंग था, वो नहीं तोड़ने वाला है। ये सिंपल सा लॉजिक आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। और वो तोड़ेगा नहीं लो को, और साथ में जो लास्ट स्विंग हाई है उसको रिटेस्ट करने जाएगा, या फिर उसको भी तोड़ के एक नया ही हाई बनाएगा, ठीक है? जो अभी आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे आपको शायद समझ ना आ पाए, राइट? और जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो नजरों में रखो भाई, कंपनी का नाम आप लोग पढ़ सकते हो, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्वास्ति विनायका आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस आप देख सकते हो, जेम्स एंड ज्वेलरी, रियल स्टेट स्टॉक्स एक्सेट्रा, बहुत सारा मतलब कंपनी का आप बोल सकते हो मिसलेस काम है। बाकी अगर बात करते कंपनी के बारे में हो थोड़ा सा, तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है और डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, और जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर्स का मिसलेनियस आता है क्योंकि कंपनी मल्टीपल्स बिजनेस करती है। और मार्च के नंबर एक बार देखते हैं, और जून के नंबर शायद आई थिंक आउट हो चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 2.5 करोड़ के आसपास की सेल्स है, सो सेल्स डिसेंट सेल दिख रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोग देखिए 1 करोड़ के आसपास का हो जाता है। साथ में नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखो 83 लाख का है, 71 लाख का है, 58 लाख का, मतलब लगातार कंपनी कुछ ना कुछ अच्छे खासे नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट देखो लगातार ग्रो हो रहे हैं, हाईएस्ट प्रॉफिट अभी देखने को मिलता है 2.2 CR का, तो मतलब काफी अच्छे प्रॉफिट कंपनी के आ रहे हैं। साथ में बैलेंस शीट भी देखिए, यहाँ पर रिजर्व कंपनी के लगातार ग्रो हो रहे हैं, 1 करोड़ से 12 करोड़ हो चुके हैं, एंड जो कंपनी का डेट है 13 करोड़ से 7 करोड़ हो चुका है, मतलब कंपनी ने बहुत बड़ा 60% का डेट चुका दिया है, ठीक है? कैश फ्लो कंपनी का अभी कुछ नहीं है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% है, एंड जो पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में 49% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो मोस्टली जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की, मालिकों की सबसे ज्यादा होल्डिंग स्टॉक में हमें देखने को मिलती है, तो मालिकों का ट्रस्ट और जो बिलीव है अभी भी कायम है स्टॉक के बिजनेस में, इसलिए उन्होंने अभी तक अपना माल एग्जिट नहीं किया है, ठीक है? अब थोड़ा प्राइस के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल आप लोगों ने देख लिए, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ गूगल में इसका चार्ट पैटर्न खोल दिया, तो बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा ना, तो मैक्स चार्ट खोलता हूँ सीधा, मुझे देखना होता। देखो मैक्स चार्ट मुझे क्या बोल रहा है विवेक, मुझे ये कह रहा है ये 19 पैसे का शेयर था, और अभी भी ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, 2000+ का ये रिटर्न दे रहा है, एंड स्टॉक ने अपना जो लास्ट स्विंग है 4 रुपए का उसको रिटेस्ट किया है, मतलब रजिस्ट करके नीचे गिरा है। अब आपको क्या समझ आता है, आपको कुछ समझ आ रहा है? मुझे ये समझ आता है कि स्टॉक का सपोर्ट बनता है 2.20 रुपए के आसपास। ये स्टॉक अगर आपको, अब लिख लो कॉपी पेन लेके, ठीक है, ये प्राइस भी अच्छा प्राइस है, लेकिन जिस प्राइस में मैं बोल रहा हूँ अगर वहां मिलता है तो स्टॉक को तो एवरेज करो या फिर वन टाइम वहीं इन्वेस्टमेंट करो। सबसे अच्छा प्राइस स्टॉक का अगर आपको बाय करना है 2.10 रुपए से लेके 1.97 रुपए के बीच में, यहाँ स्टॉक अगर आपको फ्यूचर में दिखता है, और मुझे बिलीव है, ठीक है, बिलीव क्या है, मैं डैम श्योर हूँ कि स्टॉक आपको यहाँ के टारगेट दिखाएगा, तो स्टॉक आपको यहाँ मिलता है तो बाय पक्का करना, इस प्राइस रेंज में पक्का बाय करना। अभी थोड़ा वेट कर लो, स्टॉक 2.40 रुपए के नीचे आना जैसे स्टार्ट करता है, आप स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर सकते हो।
72 में करोगे डेफिनेटली महंगी मिलेगी। हाँ आप ये कर सकते हो, यहाँ पर 10 शेयर यहाँ बाय कर लिए, फिर 20 शेयर आपने 2.45 में बाय कर लिए, फिर 40 शेयर आपने 2.15 में बाय कर लिए, फिर 80 शेयर आपने 2 में बाय कर लिए, फिर 160 शेयर आपने 1.90 में बाय कर लिए। मतलब हर एक प्राइस जब गिरेगा डबल क्वांटिटी बाय करो, तो उससे आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एक अच्छी खासी कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। और 1.16 रुपए का आपको SL लगाना है, ये जो आपको दिख रहा है 1.16 रुपए का आपका SL रहेगा। एंड रिवॉर्ड कुड भी, मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक अपना जो 4 रुपए का हाई है उसको रिटेस्ट करने जाएगा, एंड अगर ये 4 रुपए का सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली मार्क माई वर्ड ये स्टॉक भैया मल्टी ईयर ब्रेकआउट करेगा, जो ऑलमोस्ट अभी तक से तोड़ नहीं पाया। देख सकते हो आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये करेगा, लगातार ये रजिस्ट कर रहा है इस एरिया को, सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो जैसे ही ये एरिया से तोड़ेगा स्टॉक, बिलीव मी ये स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा फटने वाला है सीधा। ठीक है, फट यहाँ से जब फट के सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है, सीधा ऊपर मतलब आपको बहुत बड़े टारगेट दिखाएगा, बहुत बड़े का मतलब ये स्टॉक बहुत बड़े टारगेट दिखा सकता है। यहाँ से पैसा 3 से 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइस मैंने आपको बताया वहीं बाय करना है, जो स्टॉप लॉस बताया उसको पक्का फॉलो करना है। ठीक है, मात्र 1 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी होगी तो आपका लॉस 1000 रुपये का है, एंड रिवॉर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि स्टॉक को आप नजरों में रखो, एकदम न्यू पैनी स्टॉक है। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और जो संडे प्राइवेट क्लास है उस पर आओ, समझाऊंगा कि किस वजह से स्टॉक ये मैंने सेलेक्ट किया है, पैटर्न बताऊंगा आपको। अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो हमें, जो हर संडे प्राइवेट क्लास होती है मैं आपको उसके लिंक दे दूँगा। अब थोड़ा बात करते हैं वॉल्यूम, तो स्टॉक में देखो वॉल्यूम डिसेंट आता है, ज़्यादा खास नहीं आता है, 6 लाख 7 लाख 2 मिलियन के आसपास का मंथली वॉल्यूम स्टॉक में आ जाता है। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, सुझाव है, नीचे कमेंट दर्ज करा सकते हो, डेफिनेटली हेल्प करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में।